हम खुद कुछ नहीं करेंगे यार, हम खुद कुछ नहीं करेंगे, 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 जब बैंकों के नीचे दब चुके हैं, कहां से उबर पाएगा वो, उसकी फैमिली उसके साथ वापस आए, क्या हो जाएगा इसी कश्मीर में, नहीं सही वालों का जब बर्बाद हो चुके हैं। अभी आप देखो 12,000 गाड़ी हमारी खड़ी है, आप 8 लाख रुपए के हिसाब से जोड़ लो भाई, कितने बचते हैं लोग, लोग जो है वो कर्जदार बन जाते हैं बैंकों का, बैंक वाले 4,000 के लिए 10-10 आदमी घरों में घुसते हैं इंटरेस्ट के लिए। कितना नुकसान हुआ होगा अभी तक, करोड़ों रुपए अरबों रुपए में हमारा नुकसान हो रहा है, किसको बोले हम, किसको कहे, 3 दिन से हम लगातार कुछ एलजी साहब से मिलेंगे वो याद नहीं है, चीफ जस्टिस साहब से मिलेंगे वो याद नहीं है, कोई मिलता ही नहीं, किसको बोलेंगे, किससे बात करेंगे, किसको हम इस एप्पल वैली की फरियाद करेंगे, गौरू की फरियाद करेंगे, क्या करेंगे हम, उनके बच्चे इनसे वापस आए, लोगों का माल बगीचों में सड़ रहे हैं, लोग बाग काट रहे हैं, सेब जला रहे हैं, दरिया में फेंक रहे हैं, कितनी नाइंसाफी हो रही है ये, आप हम कोई खुदा ना खास्ता ये नहीं है, हम आल वैली के तहत तमाम मंडियां हमारी कश्मीर वैली में, आप देखो आज बंद है, हमारे आगे त्योहार चल रहे हैं, अभी नवरात्र शुरू होगी, आगे दशहरा है, उसके बाद दिवाली है, उसके बाद छठ है, ये 1.5 महीने में इस ग्रोवर को कम से कम कुछ राहत मिल जाती, लेकिन बदकिस्मती की वजह से नेशनल हाईवे को काजीगुंड के पास बंद किया जाता है, क्योंकि आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है या ट्रैफिक वाले बैठे हैं वो उनको सिग्नल करते हैं कि टनल बंद करो, वो करो, मसाजन से हुक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि वो इसमें मुदाखलत करके इस मसले को सॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर रास्ते पर 25 ग्रोवर का एक एमकॉम लड़का, एमएससी लड़का, बीएससी बच्ची, वो इस रूट के साथ वापस आए, वो सब बाहर आ जाएंगे तो क्या हाल होगा, वो फाका किसी करेंगे, खुदकशी करेंगे, रास्तों पे आ जाएंगे, मैं आपकी वसत से यही कहूंगा कि आज इस मसले को हल किया जाए। हम खुद किसी करेंगे यार, हम खुद कुछ नहीं करेंगे, हम खुद कुछ नहीं करेंगे, मैं आपसे जो करना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री है ये 10,000 करोड़ की फ्रूट इंडस्ट्री है और 35 लाख जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे जुड़े हैं, और ये बात हमारी नहीं है, पूरे कश्मीर की बात है। देखिए अगर आप देखें 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया, एब्रोगेशन हुआ उसका, और उसके बाद आपने देखा कि हमारे पास लेबरर्स नहीं थे और हमने नुकसान जो है हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ उसके बाद, और उसके बाद हमने देखा 2020 में जब पेंडेमिक हुआ, कोविड हुआ, तो उस वक्त भी हमारा नुकसान हुआ, और इससे पहले जो साजिश हमारे साथ रची गई, जो अफगानिस्तान से ईरानियन फ्रूट यहाँ पे आता था, वो हर दिन जो है 80 ट्रक्स आते थे, और उसके बाद जब वो तालिबान ने कब्जा, जो नीरव मोदी है, जो बाकी बिजनेसमैन है उनका देखिए ये 12 लाख करोड़ जो है उनको लोन देते और माफ करते, लेकिन जो हमारे लोग हैं जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स है, जो बैकबोन है कश्मीर के, इनके साथ धोखा हो रहा है, इनके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन ये जुल्म अब हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम किसान लोग जो है जमीन पे आए, सड़क पे आए, और हम लड़ेंगे। देखिए किसान लोग हमारे जो है इंटरेस्ट तक नहीं दे पा रहे, लोन पे उन्होंने जो है काम स्टार्ट किया है, लोन उन्होंने निकाले बैंक से, लेकिन मैं अपील करता हूँ गवर्नर साहब से,
जिन चीजों का आपने हमसे वादा किया था 370 के बाद उसको बहाल कीजिए। देखिए ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी और ये तानाशाही नहीं चलेगी। हमारा हक जो है किसान भाइयों तक मिलना चाहिए और हर एक आवाम तक मिलना चाहिए। ये जनाब ये प्रोपेगेंडा मैंने कहा, ये जो फ्रूट इंडस्ट्री को गिराने का, क्योंकि ये बैंक बोन है, ये 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है और इसको गिराने की साजिशें बहुत हो रही है। पिछली बार आपने देखा कुछ साल पहले ईरानी सेब आया यहाँ पे और जो वो कस्टम और ड्यूटी फ्री आता था यहाँ पे और उनकी रेट्स बिल्कुल कम होती थी। ये डायरेक्ट अटैक था हमारे फ्रूट पे। जनाब अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में डेवलपमेंट की बात करती है, कश्मीर के विकास की बात करते हैं, तो जब मौका आया आपको दिखाने का क्या आपको कश्मीरियों से प्यार है, लेकिन तब आपने क्या किया, हमारी ट्रक्स जो है, हमारी 6,000 ट्रक्स जो है अभी काजीगुंड में फंसी पड़ी है 12 दिन से। आप तो बात करते हैं आपको सिर्फ कश्मीर से प्यार है, जमीन से प्यार है, लेकिन कश्मीरियों से आपको प्यार नहीं है। अगर आपको वाकई में प्यार है तो इसकी बहाली कीजिए और कश्मीर के जो फ्रूट इंडस्ट्री किसान है इनका जो है मुआवजा दीजिए इस चीज का और इसको हेल्प कीजिए, इनको हेल्प कीजिए क्योंकि ये बैकबोन है। कितना जनाब ये करोड़ों का नुकसान है, आप अंदाजा लगाइए, ये 10,000 करोड़ का बिजनेस है, आप इमेजिन कीजिए कि नुकसान कितना होगा। ये करोड़ों का नुकसान है जनाब, करोड़ों का नुकसान है ये। और मैं आपको कह रहा हूँ ये 35 लाख लोग जुड़े हैं जनाब इससे, 35 लाख, 7 लाख जो है वो ग्रोवर्स है और उसके बगैर जो है लेबरर्स है, ट्रांसपोर्टर्स है। कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक बैकबोन जो है, कहीं ना कहीं जो है इस चीज से वाबस्ता है और अगर इसको जोल्ट आया जनाब तो पूरे जो है हमारी जो साख है, इकोनॉमी है, उसमें जो हमें एश्योरेंस दिए हैं, जैसे पिछले 70 साल से हमसे झूठे वादे कर रही है गवर्नमेंट, ऐसे ही इस बार भी इन्होंने वादे किए। हम SSP साहब से मिले, DC साहब से मिले, हमने गवर्नर साहब से अपील की, लेकिन ये हमें एश्योरेंस देते हैं जैसे इन्होंने हमें 70 साल से बेवकूफ बनाया और आज भी ये बेवकूफ बना रहे, लेकिन कश्मीरी जाग चुका है, यहाँ का किसान जाग चुका है, यहाँ के फ्रूट ग्रोवर जाग चुके हैं। जनाब ये किसान लोग हैं जिन्होंने कश्मीरियों को जो है बुरे वक्त में जो काम आए, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की कश्मीरी लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन आज देखिए इनको ही ये गिराने की कोशिश कर रहे हैं। नया कश्मीर का नाम लिया जाए, देख रहे हैं आप नया कश्मीर, देखिए ये नया कश्मीर है, किसान लोग सड़कों पर है, ये नया कश्मीर है जनाब। हकीम रिजवान इलाही जनाब।